हाय, मेरा नाम है शरद दाबरा और आप देख रहे हैं मेरा सोलो पॉडकास्ट आर स्टोरी। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मेरी लाइफ का चैप्टर नंबर 5, माय फर्स्ट होम स्टूडियो टू माय फर्स्ट ऑफिस स्पेस जर्नी। जॉब छोड़ने के बाद ये गाना मेरे दिमाग में हमेशा बजता था। और मुझे घर पे बैठा देख मेरे घर वालों के दिमाग में ये कबूतर जा। इस सब के बीच मुझे मिल गया था मेरा पहला आर्टिस्टिक इंटीरियर प्रोजेक्ट, द नर्डी बीन्स कैफे जोधपुर। मैं वन मैन आर्मी बन के ये प्रोजेक्ट पे लग गया। बट बिग थिंग्स कांट बी अचीव्ड अलोन। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था विद एवरीथिंग। पापा ने अपना सारा काम छोड़ मेरे काम में हाथ बटाया और माँ ने भी खूब सेवा की इस करंटली अनएम्प्लॉयड बेटे की। तो वो एक चेक बॉक्स होता है ना कि मुझे स्टार्टअप करता देख। अब्बा नहीं मानेंगे। ये तो मान गए थे। सॉरी हाँ, आपको वो तड़कता भड़कता मसाला स्ट्रगल वाला मोमेंट नहीं दे पाया इस स्टोरी में, पेरेंट से लड़ने वाला। ये तो उल्टा हेल्प कर रहे थे, आगे बैलेंस आउट करता हूँ ना किसी और स्ट्रगल के साथ। तो पहला प्रोजेक्ट हुआ कंप्लीट और शुरू हुआ दूसरा, एक लाउंज का प्रोजेक्ट, और फिर तीसरा द सिल्वर बेल स्कूल, और फिर एक और। लोग मिलते गए, कारमा बढ़ता गया। जो भी कमाया वो दो हिस्सों में बांट दिया, एक लिए फैमिली के लिए गिफ्ट्स और दूसरा किया अपने इस बिजनेस में री इन्वेस्ट टू मेक दिस इवन बिगर। आजकल सब सीड फंडिंग की बात करते हैं, मेरी सीड फंडिंग तो तभी हो गई थी। एक दिन मेरे दोस्त का फोन आया और बोला, यार मेरे पास 50,000 की सेविंग्स हैं, तू बोले तो ट्रांसफर करूं। सपने पूरे करने थे तो मैंने भी मना नहीं किया। उस 50,000 से, उस सीड फंडिंग से मैंने लिए अपने पहले आर्ट टूल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्टर किया और रेंट आउट किया अपना फर्स्ट होम स्टूडियो इन चंडीगढ़। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फंड किया। कुछ ने खुद से पूछा तो कुछ को मैंने पूछा, और मुझे याद है शायद ही किसी ने मना किया हो। जिंदगी में दोस्त कितने काम आते हैं ये तब समझ आ रहा था मुझे। धीरे धीरे कमाकर वो सब लौटा दिया जो लिया था, पर वो एहसान नहीं लौटा पाऊंगा कभी। अब रुकने का वक्त नहीं था। मैंने 40 सेक्टर चंडीगढ़ में रेंट किया एक घर और उसे एक एक कर बदला अपने फर्स्ट होम स्टूडियो सेटअप में। मेरा पहला फ्लैटमेट बना मेरा एक स्कूल बेस्टी, वो एक म्यूजिशियन और मैं एक आर्टिस्ट, और हम दोनों ही स्ट्रगलिंग। और वहाँ से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। दिन में मैं लोगों से मिलता था, बहुत सारे काम के लिए ईमेल्स भी ड्रॉप करता था, और रात को अपने ऑर्डर्स पूरे करता था। कोशिश ये रहती थी कि इन 24 घंटों में 48 घंटों का काम कर सकूं। पहला यूट्यूब भी तभी शुरू किया था मैंने। एक दिन कुछ काम से पहुंचा मैं एक स्टार्टअप हब, एक आर्टवर्क इंस्टॉल करना था वहाँ। स्टार्टअप हब कल्चर कुछ नया नया सा था तब, अलग ही दुनिया थी वो। समझ में आया कि सपने देखने वाले तो और भी हैं, किस्मत आजमाने वाले तो और भी हैं। एक मेंटोर मिले वहाँ और बोले, तुम में कुछ बात है, और मुझे ऑफर किया अ प्रीमियम कैबिन स्पेस इन द इंटायर स्टार्टअप हब। और मुझे लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो नए टैलेंट को इतना बड़ा मौका दें। मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। रेंट कैसे दूंगा ये नहीं सोचा था मैंने, पर दो गुना मेहनत करूंगा ये सोच लिया था। और ऐसे मिला मुझे मेरा फर्स्ट ऑफिस स्पेस। ये था मेरी लाइफ का चैप्टर नंबर 5। होप आपको पसंद आया हो, और मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कितना अमेज्ड हूँ मैं आपकी यूट्यूब कमेंट्स में कहानियाँ पढ़कर। एंड द कमेंट बॉक्स इज स्टिल ओपन, तो शेयर करें मेरे साथ कि कैसे आपने सेटअप किया है अपने घर में अपना खुद का आर्ट स्पेस। और जितनी भी कहानियाँ आपने हमारे साथ शेयर की हैं उनके विनर्स आर अनाउंस्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो गो चेक इट आउट, शायद आप हैं वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने दिल की आवाज़ सुनें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें।